पाकिस्तानी खेल दिखाते हुए, लेकिन उनकी जो तेज तर्रार चाल है वो बाकी के प्लेयर उतना नहीं समझ पा रहे हैं। कप्तान बहुत ही चुस्त, डॉक्टर अब्दुल सलाम अगली गेंद का सामना करेंगे। है ना, ये बहुत ही अच्छी गेंद, अब्दुल सलाम को बीट कर गए। मैच रुकाना विकेट नंबर टू। ये अगली गेंद डॉक्टर अब्दुल सलाम के लिए। ये यहां पर प्लेयर प्लेयर खेल रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि टोटल मैच 7 ओवर का है। जिस तरह से वो खेल रहे हैं मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट का सोच के खेल रहे हैं। 20 बॉल में 23 रन की जरूरत अथर्वा पैंथर्स को। ये अगली गेंद ऑस्कर चैंपियंस की, कमाल सर का तगड़ा प्रहार। कमाल सर को हम जानते ही हैं, जिस तरह से ये बॉल निकली उनकी बैट से सीधी सीमा रेखा के पार। कमाल सर के इस शॉट के लिए देव सर की ओर से 100 रुपए कैश इनाम। अगर वो दूसरा भी बॉल 4 मारते हैं तो देव सर की उस तरफ से 200 रुपए इनाम रहेगा। तीसरा मारेंगे 300 रुपए। जिस तरह से यह सिलसिला बढ़ता रहेगा 100-100 रुपए बढ़ता रहेगा। अगली गेंद कमाल सर सामना करेंगे। ये जोरदार प्रहार, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद और कमाल सर यहां पर जानबूझ के भागकर दूसरी रन लेना चाहते थे। वो बैटिंग करना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन बहुत ही अच्छी बैटिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल सर की। अरे मैच क्यों चालू हो रहा है? ये पानी की कमी शायद, मैंने पहले इनको रिक्वेस्ट की थी कि कमाल सर को पानी की कमी ना हो। चालू करो, चलो। किसी भी तरह से उनको पानी की कमी हुई तो वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, और जब वो मैच खत्म होने के बाद बाहर आते हैं तो पूरा बदला वसूल कर लेते हैं। जज्बाती प्लेयर, क्रिकेट से उनके जज्बात जुड़े हुए। दीपक अनिसुजीत, उनका नाम कलकत्ता कट किला है, एकदम काफी फेमस क्रिकेट के लिए। उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, अगर वो 6 मारते हैं 500 रुपए कैश इनाम दिया जाएगा कमाल सर के लिए। और इनाम है इरफान सर की तरफ से, डॉक्टर इरफान, अगर वो 6 मारते हैं तो उनको 500 रुपए कैश इनाम दिया जाएगा। और देव सर की तरफ से 1000 रुपए, टोटल 1500 रुपए है कमाल सर के नाम पे। कमाल सर जिस तरह से बैट को टेक के खड़े हैं, मुझे तेंदुलकर की याद आ रही है। काफी उनको मैं बताना चाहूंगा कि अपना जो टी शर्ट है वो हाफ टी शर्ट है, बाहें पीछे ना ले। एकदम ये स्पेशली हमें पता चला है कि उस्मान पटेल जी के रिश्तेदार हैं हमारे कमाल सर, और उसी तरह से हम उनसे क्रिकेट की उम्मीद करते हैं। और बैट जिस तरह से उठाते हैं ऐसा लगता है कि तमाचा मार देंगे एकदम बॉल पे। और बहुत ही अच्छा फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग भी करते हैं। ये गेंद का सामना करेंगे। ये इन्होंने बैट उठाई तो जरूर, लेकिन बहुत सम्मान दिया बॉल को, उनकी खासियत है। फटका है एक धाव, संघाजी धाव संख्या होते थी। अगली बॉल कमाल सर ने बैट उठाया यहां पर, लेकिन उनको पता नहीं है जहां वो बॉल मार रहे हैं वहां पे ऑस्कर चैंपियंस के धुआंधार प्लेयर डॉक्टर प्रमोद यादव खड़े हैं। वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगली गेंद ऑस्कर चैंपियंस की तरफ से, और स्ट्राइक पे है डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनके लिए भी 500 रुपए का इनाम है। ये कुछ मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर फील्डर ने लपक लिया। कमाल सर बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं,
ये क्रिकेट की मैच है, स्किपिंग ना करे। काफी उत्साह भरा हुआ कमाल सर में। अगली गेंद का सामना करेंगे, ये जोरदार प्रहार करने की कोशिश और चूक गए। उनकी जिंदगी में ऐसे मौके बहुत आए, उन्होंने प्रहार किया और चूक गए, लेकिन चूकने के बाद भी वो बुरा नहीं मानते, फिर बैट उठाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर चूकते हैं, फिर खेलते हैं। ये जोरदार प्रहार करने की फिर कोशिश, लेकिन किस्मत ने साथ दिया वाइड। ऑस्कर चैंपियंस दिशाहीन गेंदबाजी मत करें। ये जोरदार प्रहार कमाल सर की ओर से, ये बॉल हवा में। ये गाड़ी नंबर MH02CL7680 मारुति स्विफ्ट किसका है, बीच रास्ते में पार्क कर दिया है, ब्लू कलर का गाड़ी। अरे सर का गाड़ी हो, सर का गाड़ी है, चाय भी ले लो, तो बैट्समैन का गाड़ी हो, बैट्समैन का गाड़ी है लगता है सर। ओके ओके ओके, कोई तो भेजता हूँ, पंकज सर का चाबी ले लो, अमित सर से चाबी लेकर गाड़ी निकाला जाए, नहीं तो गाड़ी को उठवाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर वार्निंग आया हुआ है। ये कमाल सर का अगला शॉट, कमाल सर जिस तरह से दौड़ रहे हैं पूरे स्टेडियम को अपनी बाहों में लपेटे हुए, कमाल सर उस्मान पटेल जी के रिश्तेदार, कमाल सर काफी इनाम उनके नाम पर, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा काफी इनाम। अगली गेंद का सामना करेंगे कमाल सर, यह पटकी हुई गेंद और ये नहीं, ये सम्मान बहुत देते हैं, वाइड गेंद को तो कुछ ज्यादा ही सम्मान दे देते हैं। दिशाहीन गेंदबाजी, ऑस्कर चैंपियंस को क्या हुआ है, कभी हार्बर लाइन, कभी वेस्टर्न लाइन, कभी सेंट्रल लाइन, कभी 15 बॉल में 5 रन की जरूरत। कमाल सर ने जिस तरह से बैट घुमाया, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, नॉट रीचेबल। पंद्रह बॉल में 5 रन की जरूरत, कमाल सर काफी खुश रहेंगे, मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, जीतने की एकदम चौकट पे खड़े हैं। और ये अच्छा शॉट कमाल सर का, ग्राउंड शॉट खेला, ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग। ये नो बॉल, फ्री हिट, सुंदर सा फटका, 2 रन की जरूरत। चिपका क्या था, जेल सूटने लाया, एक धाव पूर्ण करता है, दूसरी धाव घेने का प्रयत्न, 3 धाव पूर्ण करता है, फिर से वाइड और ये पीछे 4 रन। ये अथर्व पैंथर्स के प्लेयर्स बहुत ही उत्साहित, और ये डांस करेंगे डॉक्टर देव शर्मा, इरफान और देव शर्मा और अब्दुल सलाम पहली मैच जीत गए। हेलो हेलो, दहा दहा। राजेश सर अपने टीम की सांत्वना बढ़ाने के लिए जाते हुए ग्राउंड में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन करते हुए दोनों बैट्समैन को, डॉक्टर राजेश काकड़े, दहा दहा। डॉक्टर राजेश खूब सपोर्ट करता है अपने टीम ला, जाता है पढ़त देता है। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 11, अतिशय सावध अशी सुरुवात केलेली आहे ते ऑक्सर रॉयल्सच्या संघाने। बघूया आता डॉक्टर राजेशने काही टिप्स दिल्या आहेत आपल्या ओपनर्सला, किती काम करतायत ते बघूया। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 11, दोन्ही सलामीवर अजूनपर्यंत हवी तशी फटकेबाजी चालू झालेली नाही दोन्ही फलंदाजांकडून। वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचा तिसरा षटक घेऊन पुन्हा एकदा
शाबाद सुंदर अच्छी गोलंदाजी। पुन्हा एकदा शाबाद सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय, वारंवार बीट करतोय तो फलंदाजांना। धावसंख्या अजूनही 11, तिसरा षटक चालू। सुंदर आतावर फटका मारलाय, गॅप मध्ये जातोय, एक धाव पूर्ण करताय दोन्ही फलंदाज। सुंदर क्षेत्ररक्षण तिकडे, एका धावाने संघाची धावसंख्या होते ती 12। पुढचा मॅच करता वेस्टर्न वॉरियर। पुन्हा एकदा डाव्या साइडला स्वीप केलेल्या पावयावरती चौकार, सुंदर असा फटका। पुन्हा एकदा सुंदर असा फटका मारलाय पावयावरती, सुंदर असं क्षेत्ररक्षण देते। एकच धाव, एका धावेवर समाधान मानतायत दोन्ही फलंदाज। धावसंख्या 17 आलेली आहे पुढील चेंडू घेऊन। पुन्हा एकदा सुंदर असा ग्राउंड शॉट मारला, यावरती एक धाव नक्कीच पूर्ण करताय दोन्ही फलंदाज। तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 18। मला वाटतंय ऑस्कर रॉयल्सच्या संघाने थोडीशी आता आक्रमक फलंदाजी करण्याची गरज आहे। ये वेस्टर्न वॉरियर्स वर्सेस ANH मेडिको। वॉरियर्स हमेशा से याद रहे हैं वॉर के लिए, और धुआंधार बैट्समैन डॉक्टर जुगल और डॉक्टर दिलराज जडेजा, ऑन स्ट्राइक डॉक्टर जुगल उपाध्याय। ANH मेडिको की ये पहली गेंद इस मुकाबले की, ये बहुत ही अच्छी बैटिंग प्लेट किया उन्होंने। ये मिसफील्ड, ये थोड़ा सा मिसफील्ड का प्रदर्शन यहां पर। सुंदर सा चौकार, दूसरी गेंद, ये यहां पर हवा में गेंद थोड़ी देर के लिए। एक एक रन से स्कोर आगे बढ़ते हुए, बोर्ड पे 2 रन, काफी अच्छी ओपनिंग। डॉक्टर जुगल ऑन स्ट्राइक, सुंदर असा चौकार लगवाला है पहिल्या चेंडूवरती। पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन अगली गेंद, पुन्हा एकदा सुंदर फटका मारलाय, धावसंख्या 22 आली आहे। एक धाव पूर्ण करताय, दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात, दुसरी धाव पूर्ण, बहुत अच्छी बैटिंग। यही तरीका होता है कि धीरे धीरे ओपन किया जाए और बाद में फटाया जाए। अगली गेंद,
डॉक्टर दिलराज जडेजा के लिए। यहाँ पर ऑस्कर चैंपियंस वर्सेस एयर चैलेंजर्स, डॉक्टर सुजीत रांजने ऑन स्ट्राइक और डॉक्टर गोहिल, अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर। ये अगली गेंद, बहुत ही अच्छी बैटिंग डॉक्टर दिलराज जडेजा द्वारा, बेहतरीन। यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति, डॉक्टर ध्रुव गोयल का ये बेहतरीन शॉट, डॉक्टर सुजीत रांजने एंड डॉक्टर दीपक मोरे ना, दीपक मोरे सर, ओके। ऑस्कर चैंपियंस के प्लेयर्स को अगर यहाँ पर कप्तान राजेश काकड़े जी उनको पानी का सप्लाई देते हुए, उनका एक ही एजेंडा है कि पानी की कमी ना पड़े। ये बेहतरीन शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, दीपक सर के बल्ले से निकलता हुआ। वो जाने जाते हैं अपनी बैटिंग के लिए। ये एक रन चुरा लिया डॉक्टर जुगल और दिलराज जडेजा सर की, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही तेजी से रन चुरा लेते हैं। थोड़ा सा स्कोरबोर्ड को हिलाते हुए रखने की उम्मीद, अच्छा स्ट्रोक यहां पर जुगल सर के बल्ले से। ये दो रन की अपेक्षा कर रहे थे डॉक्टर जडेजा, लेकिन एक रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। सुंदर चेंडू, बत्तीस धावा झालेले आहेत। ये बहुत ही अच्छा शॉट और बहुत ही अच्छा कैच एनएच मेडिको, इब्राहिम गोलंदाजी साठी आले, वैयक्तिक पहिला आणि संघाचा अगले बॅट्समन डॉक्टर सतीश पांडे, दीपक फील्ड में जाते हैं। सुंदर फटका मारलाय पावीवरती, नक्कीच एक धाव सारी उम्मीद। यहाँ पर डॉक्टर चौकार घोषित केला आहे ऑस्कर चैंपियंस, बहुत ऑस्कर रॉयल्स बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर सुजीत रांजने और डॉक्टर दीपक सर, दीपक मोरे सर की धुआंधार बैटिंग का प्रदर्शन। ये जिस तरह से खेल रहे हैं पूरी पारी अकेले खेल जाएंगे। धाव संख्या झाली आहे ती 36, मिसफील्ड हुआ आठवा षटक चालू और फायदा उठाया बैट्समैन ने, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट डॉक्टर जुगल द्वारा। जुगल सर जाने जाते हैं रन चुराने के लिए, गोलंदाजी करता है सामने फलंदाज, स्कोर यहां पर गन्ना वेस्टर्न वॉरियर स्कोर की तरह असे तो स्कोर की आणि डाव्या अष्टीवायचा चेंडू पंचानी व्हाइट बॉल घोषित केला आहे। एका डावीने संघाची डाव संख्या झाली आहे ती 37, पाचवं षटक चालू, एक विकेट। यहाँ पर दो ओवर की समाप्ति पर सुंदर असा मारलाय फटका पाहूया, यावरती 9 रन चौकार घोषित केलाय पंतांनी।
एक विकेट का नुकसान। थोड़े बड़े बड़े शॉट्स की उम्मीद। धाव संख्या फोर्स पुनः एकदा इब्राहिम फलंदाज ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक झेल फुटने लाए दिख रहे हैं चार रन के लिए, लेकिन फील्डर ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की यहाँ पर। एनएच मेडिको इसी तरह के शॉट्स की उम्मीद। संघा जी धाव संख्या डाली थी 42। वेस्टर्न वॉरियर्स को जरूरत इस तरह के शॉट्स की। संघाची धाव संख्या है 42। पुनः एकदा एक धाव तो नक्कीच पूर्ण करता है। त्रेचाळीस धावा झालेल्या आहेत, पाचवा षटक अजूनही चालू। पुन्हा एकदा समोर फलंदाज दीपक आणि पुन्हा एकदा अवांतर वाईट चेंडू। ये थैंक यू डीजे। सुंदर सा फटका मारला लेग साइड ने, एक धाव पूर्ण करता है दोनों फल। यहाँ पर डॉक्टर जुगल सर की बैटिंग बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। वेस्टर्न वॉरियर्स को जरूरत बड़े बड़े शॉट्स की, लंबे स्कोर की, और धुआंधार बैट्समैन डॉक्टर समीर जाधव क्रीज पे पहली गेंद का सामना करेंगे। पांच षटक समाप्ति नंतर ये आते ही चार रन से है 44। वॉरियर्स का गड़ी बात झालेला नाही आहे, परंतु धाव संख्या आहे 44 समीर जाधव के तरफ से बेहतरीन। इस तरह से स्कोर को हिलाना पड़ेगा कि रनों की बारिश हो जाए। ये ओवर थ्रो के दो रन चुराने होंगे। इस तरह से तेज दौड़ते हैं जुगल सर। यहाँ पर पूरे क्रिकेट स्टेडियम का मैं ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस पर मौजूद पूरे ऑस्कर प्रीमियर लीग के बैकबोन डॉक्टर राजेश काकड़े, और वो जाने जाते हैं अपने जज्बे के लिए। ये दो रन यहां पर खींचने की कोशिश, लेकिन ये बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दीपक सोरदारा। डॉक्टर राजेश काकड़े और दीपक सर का तालमेल, जोरदार रनिंग बिटवीन द विकेट, और ऑस्कर रॉयल्स ये जोरदार तगड़ा प्रहार।
इसी तरह से अगर बैटिंग करते रहे तो बॉल को फोड़ देंगे दीपक सर। काफी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन। समीर ने तगड़ा प्रहार किया था, दो रन की उम्मीद चाहते थे यहां पर। स्कोरबोर्ड को हिलाना पड़ेगा तेजी से। यहां पर स्ट्राइक पे हमारे सबके लीडर डॉक्टर राजेश काकड़े, वो जाने जाते हैं, उनके लिए यहां पर घोषणाबाजी हो रही है कि उनके बल्ले से अगर एक चौका निकलता है तो हरीश सर की तरफ से 5,000 रुपए कैश इनाम। हरीश सर की तरफ से 5,000 रुपए कैश इनाम एक चौके के लिए। और इस वक्त मुझे लगता है वो इनाम हासिल करने के लिए राजेश सर बहुत तगड़ा प्रहार करेंगे। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, वाह, ये फोर वेस्टर्न वॉरियर्स के लिए ये 4 रन बहुत मायने रखते हैं। बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन। अगर डॉक्टर राजेश सर सिक्स मारते हैं तो उनको कैश 5,000, फोर मारते हैं तो 300 रुपये जीते। ये अगली गेंद का सामना करेंगे डॉक्टर समीर जाधव। ये वाइड का इशारा, ये लेग बाइस, एयर चैलेंजर की तरफ से नंबर 7 बॉलिंग कर रहे हैं और सामने है दीपक सर, डॉक्टर दीपक सर, और स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है डॉक्टर राजेश सर। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल हवे में, और ये देखना अंपायर का इशारा क्या होता है। अंपायर ने बस 2 रन का डिक्लेयर दिया, 2 रन दिए, और बैट्समैन को डॉक्टर समीर जाधव जरा दौड़ने में तालमेल में कमी, आप लोग आपस में तालमेल बनाए, आधे कच्चे दिल से ना दौड़े। आप बीच में जाते फिर रुक जाते फिर दौड़ते फिर रुक जाते, ये जिगजैग वाला पैटर्न मत करिए। शॉट, बॉल अपने पैरों के नीचे से निकलते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। स्कोर स्कोर क्या हुआ? स्कोर बैट जाना चाहिए, बैट मत। राजेश सर स्कोर 66, ऑस्कर रॉयल 66। अगली गेंद का सामना करेंगे, जोरदार प्रहार करने की कोशिश डॉक्टर समीर द्वारा। डॉक्टर राजेश ककड़े सर के लिए चौको चक्कों की बारिश करनी होगी। फेयर चैलेंजर की तरफ से नंबर 10 बॉलिंग करने आए हैं डॉक्टर अरविंद सर, हमारे सबके चाहिए। डॉक्टर सभा सर फील्डर्स को स्टेडियम में लगाते हुए राजेश सर की खूखार आंखों को देख लिया उन्होंने पूरी तरह से। हमें गेंद समीर जा, बहुत ही जबरदस्त शॉट, और ये 4 रन राजेश सर की तरफ से के बल्ले से। सभा सर की अगली बॉल डॉक्टर राजेश सर के लिए, अपडेटेड नहीं है ये। डॉक्टर राजेश सर बॉलिंग का इंतजार करते हुए यहाँ पर जो सभा सर फील्डिंग को हिलाना होगा, फील्डिंग जल्दी जल्दी बाउंड्रीज पर टाइट करते हुए
ये राजेश सर डॉक्टर राजेश सर फील्डिंग लगी हुई पूरे पूरे मैदान का मुआयना करते हुए कहां से गैप निकाला जाए और दूसरे चौके का इंतजार ये मिसफील्ड डॉक्टर सभा छोड़ दिए और अंपायर को पार किया। बहुत ही जबरदस्त डायरेक्ट बॉल थी, बॉल बॉडी पर लगी लेग बॉय की तरफ से एक रन ऑस्कर के खाते में। अगर राजेश सर इस बॉल पे सिक्स मारते हैं नहीं दीपक सर ऑन स्ट्राइक स्कोर कितना हुआ यहाँ पर नया नया प्रयोग 61 ऑस्कर का स्कोर को हिलाते रहे 61 यहाँ पर अमित शेट्टी साहब के ओवर घोषणा है। अगर राजेश सर अगली बॉल पे सिक्स मारेंगे डॉक्टर राजेश सर से सभी को उम्मीदें हैं सिक्स की और उम्मीद है कि वो अपना दर्शकों का दिल नहीं तोड़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल बाउंस, टप्पा गिरी फील्डर के हाथ में, चौरन भागने की कोशिश में, इसी के साथ ऑस्कर का स्कोर हुआ 62। बहुत ही बेहतरीन स्कोर। आज पता चला राजेश सर इतना तेज क्यों दौड़ पाते हैं, केजीएफ हाउस की तरफ से वो दौड़ रहे हैं, वो रोज वहां पर ट्रेडमिल पे प्रैक्टिस करते हैं केजीएफ हाउस। अगला बॉल सभा सर का अंपायर को पार, बहुत ही जबरदस्त लेग बाय पर बॉल कीपर के हाथ से छूटी और सीधा सीधा एक रन भाग करके पूरा किया। अब डॉक्टर राजेश सर स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक देखना है कि बॉल पर क्या जलवा दिखाते हैं डॉक्टर राजेश सर। चौकों की जरूरत वेस्टर्न वॉरियर्स यहां पर रनों की बारिश होनी चाहिए, चौके छक्के लगने चाहिए, ये जोरदार तगड़ा प्रहार दो रन लेने चाहिए कम से कम, लेकिन ये बहुत ही सुस्त जा रहे हैं यहाँ पर, ये अंतिम ओवर्स में चल रहे हैं। डॉक्टर समीर लास्ट ओवर है, दो गेंदे शेष, सभा सर बॉल पर फील्डिंग टाइट करते हुए यहाँ पर डॉक्टर समीर के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही अच्छा है चार रन का बहुत ही अच्छा बेहतरीन बल्लेबाजी समीर यादव बहुत ही अच्छा 3 रन के साथ में समीर यादव सर के बल्ले से निकलती हुई 67 ऑस्कर का स्कोर हुआ 67। लास्ट बॉल ये बहुत अच्छा चौका समीर यादव सर के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही जबरदस्त शॉट था। वेस्टर्न वॉरियर्स बॉल हवा में उड़ी और इसी के साथ 3 रनों के साथ में ऑस्कर का स्कोर हुआ 67। आखिरी बॉल आखिरी ओवर कमाल दिखाते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त शॉट, कोई फिल्डर मौजूद नहीं, इसी के साथ चार रन। अगली गेंद अंतिम ओवर ये वेस्टर्न वॉरियर्स की आखिरी ओवर होगी। डॉक्टर जुगल सर और डॉक्टर समीर यादव सर दिस विल बी द लास्ट ओवर ऑफ योर इनिंग। ये आखिरी ओवर है, स्कोर यहाँ पर हुआ है 40 रन हुए हैं बोर्ड पे, कम से कम 20 रन की उम्मीद इस ओवर से।
20 रन की उम्मीद। ये बहुत ही अच्छा, देखो जुनू क्या होता है, जिद क्या होती है, हमसे ज़माना सीखेगा। चलो 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 चलो, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर आखिरी ओवर वेस्टर्न वॉरियर्स के लिए जो कुछ स्कोर करना है, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ी करने की उम्मीद। टेक्निकली शॉट्स क्लियर करें, ये बहुत ही अच्छा स्कोर, बहुत ही अच्छा। जुगल सर ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की, अभी भी चार गेंदे शेष। वेस्टर्न वॉरियर्स ओनली 4 बॉल्स रिमेनिंग। ये तगड़ा शॉट और ये आ गया सीमा रेखा के बाहर, कमेंट्री बॉक्स के अंदर। इसी स्ट्रोक की जरूरत थी। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। ये फिर से तगड़ा प्रहार, इसी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और ये नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और चार रन, नो बॉल का इशारा भी चार रन, माफी नो बॉल नहीं है। देखो जुनू क्या होता है, जिद क्या होती है, हमसे ज़माना सीखेगा। आखिरी दो बॉल 53 का स्कोर, 65 की उम्मीद रखते हैं। ये वाइड बॉल, इस तरह से बैट्समैन का थॉट खाए हैं, बॉल नहीं वाइड डाल रहे हैं। आज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। ये हवा में गेंद और सिक्स जोरदार प्रहार, अब जाके खुले हैं समीर यादव, अब जाके खुले हैं। ये लास्ट बॉल इस इनिंग का वेस्टर्न वॉरियर्स, देखो जुनू क्या होता है, ये वॉरियर्स की तरह लड़ रहे हैं और समीर यादव का तगड़ा प्रहार खेलते हैं। ये डॉक्टर दीपक रसाल सर की तरफ से एक अनाउंसमेंट और ये तगड़ा प्रहार लपक लिए, ये भी लेकिन बहुत ही अच्छी इनिंग। 61 टू विन। एयर चैलेंजर देख प्लेयर इधर भेजना, एक जरूरी अनाउंसमेंट है, जो भी ओल्ड जो भी बॉल चूना हो जाता है, नया लेते वक्त चूना सबमिट करना जरूरी है। अंपायर चूना बॉल सबमिट करके नया बॉल लिया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। चूना बॉल दे करके न्यू बॉल लिया जाए। एक्सक्यूज मी बॉल, न्यू बॉल प्लीज, न्यू बॉल। सलामीची जोडी गेलेली आहे मैदानात, जाऊया आता ऑस्कर रॉयल संघाकडून गोलंदाजीसाठी।
एयर चैलेंज आपला एक एक्स्ट्रा प्लेयर इकडे पाठवत आहे. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचा पहिला षटक घेऊन डॉक्टर विवेक. ऑस्कर रॉयल्सच्या संघाने शादाब डीजे थँक्यू डीजे थँक्यू शादाब आणि मुशिराची सलामीची जोडी. विवेक यांचा पहिला चेंडू पंतांनी वाईट बॉल घोषित केलेला आहे. रॉयल का वाईट इसी तरीके से केयर चैलेंजेस का खाता खुला बगैर किसी बॉल पे. डॉक्टर विवेक अपनी अगली बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस किए. बहुत ही जबरदस्त बॉल. ये बॉल बीट हुई बैट्समैन के बल्ले बल्ले से. अगली बॉल विवेक बहुत ही जबरदस्त शॉट. अंपायर के डिसीजन का इंतजार क्योंकि बॉल बीच में अड़ गई कुछ फील्डर्स को लग करके. अंपायर का डिसीजन दो रन. अगर ये गेंद किसी को नहीं लगती तो शायद स्कोर कुछ और होता. अगली बॉल विवेक की बहुत ही जबरदस्त एक रन. अच्छा बैट्समैन नेम हेलो केयर चैलेंज बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम अपोजिट में इधर का हाँ इधर का नहीं देख रहे हम लोग ये देख रहे हैं. एएनएच मेडिकल के मेडिको के बारहवें फील्डर प्लीज स्टेडियम में अपना इसमें आए कमेंट्री बॉक्स में आए. एएनएच के बारहवे स्पोर्ट्समैन एएनएच के बारहवे स्पोर्ट्समैन कमेंट्री बॉक्स में आए प्लीज. दुसरी धाव घेण्याचे प्रयत्न आणि दुसरी धाव पूर्ण करता है गच्चा क्षेत्र रक्षणामुळे दोन धाव मिळाले आहेत. पुन्हा एकदा विवेक गोलंदाजीसाठी सज्ज. उजव्या हाताने मारा करतायत. सुंदर चेंडू तेवढ्या चांगल्या रीतीने हलक्याशा बॅटने खेळून काढला. एक धाव पूर्ण करतायत. धाव संख्येत भर पडतोय. एका धावेने संघाची धाव संख्या होते धाव संख्या 7. विजयासाठी 72 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते ऑस्कर रॉयल्सच्या संघाने. और नॉन स्ट्राइक बॉल आशीष केयर चॅलेंज असं वेस्टर्न वॉरियर के बारवे फील्डर वेस्टर्न वॉरियर के बारवे फील्डर प्लीज कम ऑन टिप्पणी बॉक्स में आए. वेस्टर्न वॉरियर के बारवे फील्डर कम ऑन टिप्पणी बॉक्स में आए प्लीज. बॉलर्स का नाम क्या है? सतीश पांडे डॉक्टर राजेश सर कुछ इशारा किए लेकिन क्यों अच्छा पानी बोल रहे कोई है पानी लेके जाने वाला
एक सर बॉलर तो नाव गए रमेश पांडे. अरे धुंदा सांगितलं तुला या आसपास. ऑस्कर रॉयल से 12वे फील्डर प्लीज रेडी रहे. बॉलर्स नेम ओवर खत्म होते ही साथ फील्डर को पानी पहुंचाया जाए. शशांक कामन. ओहो बहुत जबरदस्त सुंदर सुंदर असा गोलंदाजी होते है. निर्धाव होता है चेंडू. धाव संख्या है ती सात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. वेस्टर्न वॉरियर ना विजयासाठी 72 धाव. वेस्टर्न वॉरियर की तरफ से एक छोटी सी मिस फील्ड. पुन्हा एकदा एक रन का गामन गोलंदाजीला सज्ज. बॅटिंग पर है आणि त्रिपळाजित केलेला आहे मुशिरियाला. सुंदर अशी गोलंदाजी. बॅटिंग पर है कमलेश पांडे. विकेट गिरे. बहुत ही बेहतरीन शॉट. पानी राजेश सर को. हेलो मुशीर यांच्या रूपाने पहिला गडी बाद झालाय तो फेअर चॅलेंजर या संघाचा. सुंदर अशी गोलंदाजी म्हणावी लागेल कामत यांची वैयक्तिक पहिला संघाचा दुसरा षटक घेऊन. कामंत विजयासाठी 72 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे ते ऑस्कर रॉयल्स या संघाने. अशा रीतीने इब्राहिम आलेले आहेत आता फलंदाजीसाठी. मुशीर यांची जागा घेणार आहे ते. पुन्हा एकदा कामत गोलंदाजीला तयार. तीन रन ना पहिली ओव्हर चालू आहे. तीन रन्स 9 विकेट. तीन बॉल 3 रन्स. सतीश चौथा बॉल घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज. कामन समोर फलंदाज इब्राहिम याला. सतीश चौथी बॉल सुंदर पुढे सरसावत मारलाय चेंडू बॉलरच्या डोक्यावरून. पाहूया एक धाव पूर्ण करताय दोन्ही फलंदाज. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात आशिषने अशा प्रकारे दोन धावांवरती समाधान मानतायत. दोन धावांनी संघाची धाव संख्या झाली आहे. घेतलेली आहे 4. 9 धावा एन एच 4. 4 बॉल 4 चेंडू 4. सुंदर असा फटका होता. चांगला एक चौकार च्या दिशेने जात आहे बॉल. सुंदर असं क्षेत्र. गुड शॉट फ्रॉम कमलेश पांडे. सतीश पांडे को एक करारा हुआ शॉट मारते हुए. गुड स्क्वेयर कट स्क्वेयर ड्राइव. काफी अच्छे बॉलिंग कर रहे थे सतीश पांडे. लास्ट बॉल फ्रॉम सतीश पांडे. गोलंदाजी निर्धाव होता है चेंडू और एक स्लोअर वन डाला है. एक रन के लिए दौड़े है सतीश कमलेश. दूसरा रन के अरे दे सकते थे. षटकातील 5 नहीं बोला. शेवटचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा नो बॉल. सतीश पांडे का ये चटावा नो बॉल है. धाव संख्या के लिए स्कोर हुआ है 10 फॉर नो लॉस इन फर्स्ट ओवर. और ये उठा के मारा है. दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो. कैच हुआ तो भी चलेगा. दौड़ते रहो. अरे दौड़ते रहो. एक धाव साठी मेरे भरोसे मत रहो. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 11. एक ओवर 11 रन. काफी अच्छी नखेतुली बॉलिंग डाली है सतीश पांडे ने. दूसरे ओवर लेके आए हैं बॉलर्स नेम. बॉलर्स नेम
अविनाश अविनाश दूसरे ओवर लेते हैं और ये गया छह रन के लिए ऐसे विवेक कल्पना संघात चौथे षटक घेऊन डाव्या एस टी बाहेर झाला चेंडू चार रन के लिए अच्छी गेंद बाईसच्या रूपाने एक धाव घेतले पंतांनी आशिषने अच्छा वाईट बॉल घोषित केला आहे फोर रन्स के लिए थर्टीन आफ्टर 1.1 ओव्हर बॉलिंग साठी सज्ज पुढे येऊन मारलेला चेंडू पाहूया गॅप मध्ये एएनएच सुंदर क्षेत्ररक्षण तिकडे एकच धावेवर फलंदाजाला एका धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 14 विजयासाठी 72 धावांची गरज क्यार चॅलेंज या संघाला आफ्टर 1 ओव्हर एएनएच 15 फॉर नो लॉस पुन्हा एकदा 1.1 ओव्हर सुंदर असा चेंडू नीटचा काही खेळता आला नाही एक धाव मात्र घेण्यात सफल झालेले आहेत ते दोन्ही फलंदाज बॉल नाही मी आलो नवीन बॉल घ्या बॉल द्या धाव संख्या 15 एक ओव्हर झाले षटकातील वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचं चौथं षटक घेऊन नवीन बॉल द्या नवीन बॉल द्या पुन्हा एकदा वाईट चेंडू एक आवंत धावीने संघाची धावसंख्या होते सतरा पुन्हा एकदा वाईट एक ओव्हर झालेला बॉल द्या हा एकदम नवीन बॉल आहे चुना बॉल द्या नवीन बॉल कोण दिला जुना बॉल द्या नवीन बॉल देता येणार नाही एक ओव्हर झालेली आहे सर सुंदरचा फटका मारलाय चार रन साठी धाव संख्येत डायरेक्ट चार ने भर पडून धाव संख्या झाली 21 अंपायर जरा घाई करा अंपायर जरा घाई करा फिल्डिंग लावण्यात फार वेळ जातो आहे दुसरा बॉल घेऊन अविनाश दुसरा बॉल घेऊन अरे वा चांगला टोटल बोलावलेला आहे एक रन साठी धावले दोन रन साठी धावले आणि चार रन निष्ठा लागत नाही धावबाद शक्यता पाहूया क्षेत्र दोन बॉल दोन रन फोर धावतले आहेत फलंदाज स्कोर झाला आहे 19 आफ्टर 1.4 आणि हा झालेला सिक्सर होऊ शकते येस सिक्सर सिक्सर गुड शॉट फ्रॉम आशिष यादव आणि त्रिपाजीत अँड स्कोर इज नाव 25 फॉर नो लॉस आफ्टर 1.3 ओव्हर शाबाद आउट बॉल बाय आफ्टर 1.3 ओव्हर 25 फॉर नो लॉस एएनएच चौथा बॉल घेऊन अविनाश
फिल्डिंग लवकरात लवकर लावण्यात यावी. वेस्टिंग अवर टाइम. बावीस चौथा बाद परत तसाच टोलवलेला आहे आणि हा हात सोडलेला आणि सिक्स. सिक्स रन. येस इट इज सिक्स. 31 फॉर नो लॉस. त्वरित क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. पाचवा बॉल. पाचवा बॉल. डोंट आर्ग्यू विथ अंपायर. डोंट आर्ग्यू विथ अंपायर प्लीज. डोंट आर्ग्यू विथ अंपायर प्लीज. डोंट आर्ग्यू प्लीज. नो आर्ग्यू विथ अंपायर. थैंक यू डीजे. नो आर्ग्यू विथ अंपायर प्लीज. No argument. Umpire decision is the final decision. Yes, umpire decision is the final decision. Dundarashi Golandaji. Pin shot catcher samapti nantar dhav sankhya ahe ti 22. Chair challenger sangachi. Oscar Royal yancha 5-5. 4 runs sathi jat ahe asa disatay ahe ani 4 runs. 5va ball 4 runs sathi gelela ahe. Ye bhi gaya. अरे रास्त्यावर गेला असणार कोणीतरी घेऊन या. आला आला. गोलंदाजीसाठी. थँक्यू डीजे. टू आफ्टर 1.5 आले राजेश. पाचवं षटक घेऊन पाहूया आता. आणि हा टोलावलेला आहे. परत सुंदर असा फटका मारला. एक धाव नक्कीच पूर्ण करतायत. दुसऱ्या धावासाठी धावलेले आहेत. तिसऱ्या धावासाठी धावलेले आहेत. चौथ्या धावासाठी आणि पाचव्या धावा. राजेश काकडे सर बॉलिंगला आले आहेत. सात चोरलेले आहेत. ऑस्कर रॉयल्सचे फास्टर बॉलर आहे. आफ्टर टू ओव्हर्स यस 38 फॉर नो लॉस. एएनएच वाईड बॉल. 38 फॉर नो लॉस after 2 overs ANH. going good. आशा पद्धतीने कॅच इथे मिस केलेला आहे आणि 4 रन करता बॉल गेलाय. सतीश साहब दुसरी ओव्हर चालू केलेली आहे. सतीश पांडे. एक बॉलर सतीश पांडे. सेम सतीश पांडे दुसरी ओव्हर घेऊन आलेले आहेत. पहिला बॉल पुन्हा सतीश पांडे वर्सेस कमलेश पांडे. देखना कितना है जोर कातिलो में. आणि सुंदर असा षटकार. आणि हे क्रॉस बॅटने खेळायला गेलेले आहेत. कदाचित सरळ खेळला तर एखादा सिक्स बसेल. 35 झालेले. सतीश पांडेचा तिसरा बॉल कमलेश पांडेला. आणि हा मारलेला आहे. टोलाऊन मारलेला आहे. एक रन आहे. दोन रन आहेत. आणि बॉल जात आहे चार. आणि दोन रन वर. दोन रन्स वर समाधान मानून सतीश पांडे कमलेश पांडे आपल्या बॅटिंग क्रीज वर. सतीशचा हा चौथा बॉल कमलेशला. आणि हा पिच टोलवलेला आहे एक रन साठी. स्कोर झाला आहे. स्कोर आहे 43 फॉर नो लॉस. आफ्टर 2.5 ना. हा 2.3 ओव्हर्स. आफ्टर 2.3 ओव्हर्स
और एक दूसरा वाइड नो नो वाइड बॉल एक रन के लिए दो रन। अरे आवाज बंद कर दिया यार। हेलो बॉल गेलेला आहे चार रन साठी बाउंड्री लाइन्स के बाहर जाती हुई गेंद। हेलो आफ्टर 2.4 ओवर्स 49 for no loss after 2.4 hours. After 5 hours, 2.5 hours, 49 for no loss. Bolo. Hello. 4 over 39. 25 बॉल आणि 12 रन्स फक्त 12 रन्स हवे आहेत 25 बॉल मध्ये एनएसला सरासरा खेळला तर इतका झाला असता स्कोर कसा खेळतो ना सर आफ्टर 3 ओवर्स एनएस 50 फॉर नो लॉस 50 हो गया अरे बाजे आउट आले फोर ओवर्स टू गो एंड एएनएच डिड ओनली 11 रन्स फोर ओवर्स टू गो और ये बॉलर आ रहा है मेरे ख्याल से समीर नहीं 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 वो पांडे के लिए तालिया दीपक बॉलर इज दीपक रसा विथ अ न्यू बॉल न्यू ओवर डॉक्टर ध्रुव गोयल मेरा आवाज कम कर गोलंदाजी करता ना तो पहला ही बॉल वाइड हेलो नाउ इन फोर अवर्स दोन रन नीड 10 रन घेण्यात आले आहे ओनली 10 रन और ये फिर से पीछे मारते हुए कमलेश पांडे स्क्वेयर लेग की तरफ मार दिया है एक रन के लिए 17 बॉल मध्ये 31 रनांची गरज आहे केअर 11 ला ठीक आहे ना होई ना वैशाली आले ना सर ने एक्स्ट्रा वॉइस आहे चला दुसरा बॉल अतिशय उत्कृष्टपणे टोलावलेला हा चेंडू आणि हा पाटे गेलेला बॉल आणि अशा पद्धतीने 4 रन वसूल झालेले आहेत इथे एक रन साठी झालेला गेलेला आहे अतिशय सुंदर स्टेप करून स्ट्रेट ड्राइव मारलेला आहे हा 4 रन करता 2 बॉल 3 रन झालेले आहेत तिसरा बॉल आणि टोलवलेला आहे कमलेश पांडेने तिथे सुंदर एक क्षेत्र रक्षण करण्यात आलेलं आहे एक रन साठी आणि स्कोर झाला आहे 54 फॉर नो लॉस आफ्टर 3.4 ओवर ओनली 7 रन्स टू गो फॉर विनिंग आणि आज फुलटॉस बॉल मारलेला आहे बघणार कॅच होतो किंवा नाही आणि हा कॅच झालेला आहे आशिष आशिष आणि आशिषने एक विकेट फेकलेली आहे फक्त 7 रन्स हवे होते कॅच कोणी पकडला नेली टोपी तेरा नाम क्या है नीली टोपी तेरा नाम क्या है नीली टोपी थोड़ा बॉल मध्ये 27 रन ची गरज आहे इथे एअर चॅलेंजर्सला आणि विजय साहिल ने
कॅच पकडून आणि नवीन बॅट्समनचं नाव आहे आणि हा व्हाईट दिलेला आहे अंपायरने आणि डॉक्टर अमित पाल गेलेले आहे स्ट्राईकवर. अतिशय उत्कृष्टपणे टोलावलेला आहे हा चेंडू आणि खूप छान तेवढीच उत्कृष्ट फिल्डिंग पण इथे झालेली आहे. डॉक्टर कामत यांची उत्कृष्ट फिल्डिंग, दोन रन त्यांनी आपल्या टीम करता डेफिनेटली वाचवलेले आहेत आणि असे दोन रन काय टोलावलेला आहे लेग साईडला आणि हा गगन चुंबे अतिशय छान अशी बॉलिंग इथे चकवलेला आहे त्यांनी. आता इथे एक रन राहिलेला आहे एएनएच ला आणि शेवटचा बॉल चौथ्या ओव्हरचा राहिलेला आहे आणि अमित पाल अतिशय उत्कृष्टपणे मारलेला हा चेंडू आणि अमित अंपायर काय इशारा देत चुप्पी छक्का बाळ इशारा केला अंपायरने केलेला आहे सुंदर असा शेवटचा बॉल करून मारलेला चेंडू चालेल चार रन करता गेलाय. हा धावा धावा आणि हा विनिंग स्कोर अरे धाव एक रन तरी काढ. हा चलो खतम हो गया चलो आ जाओ. 13 बॉलांमध्ये 20 रनची गरज आहे. तेरा चेंडूंमध्ये 20 धावांची गरज. उत्कृष्ट असं बॅटिंगचं प्रदर्शन करत आहे केअर चॅलेंजर्स. शेवटचा चेंडू बाकी आहे पाचव्या षटकातला उत्तर ध्रुव. आणि छान पद्धतीने त्यांची ओव्हर इथे संपवलेली आहे. जोरदार अशी अपील झालेली आहे इथे अंपायरचा इशारा नॉट आउट. 12 बॉलांमध्ये 20 रनांची गरज आहे केअर चॅलेंजर्सला आणि 12 बॉलमध्ये 20 रन रिपीट करायचं आहे ऑस्कर रॉयल्स यांना. अतिशय छान पद्धतीने हा खेळ सुरू आहे पण चांगलं आहे पण दोन मॅच चालू. कधी पारडा बॅटिंग कडे झुकतय कधी बॉलिंग वाल्यांकडे झुकतय. बघूया आता काय पुढे घडतंय ते. डॉक्टर राजेश जे आपल्या सगळ्या फिल्डरला गाईड करतायत. डॉक्टर शशांक येत आहे 6वी ओव्हर घेऊन आणि आपली स्वतःची वैयक्तिक दुसरी ओव्हर घेऊन. बघूया आता ते कसे बॉलिंग करतायत. यापूर्वीची ओव्हर त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट अशी टाकली आहे. 12 चेंडूंमध्ये 20 धावांची गरज आहे केअर चॅलेंजर्सला. अरे मी काय म्हणतो सर पुढची मॅच कोणती त्याच हे करून घ्या ना बॉलिंग कमी. डॉक्टर शशांक यांची पहिला चेंडू टाकतायत ते 6व्या षटकातलं पुढची मॅच आणि अशा पद्धतीने तो लावलेला चेंडू आवांग करता. ऐका ना कॉलिंगची झाली एएनएच मेडिकल आणि ऑस्कर आणि केअर चॅलेंजर्स एक धाव दिलेली आपल्या पहिल्या चेंडू मध्ये डॉक्टर शशांक यांनी. सेव्हन चॅम्पियन्स आणि बीएमए मुस्ताक 11 चेंडूंमध्ये 19 धावांची गरज आहे आता केअर चॅलेंजर्सला. साडेपाचचा आणि हा उंचपणे टोलावलेला चेंडू आहे गेलाय 4 रन करता. अतिशय सुंदर स्टेप करून मारलेला आहे हा 4 रन करता गेलाय हा. सर दोन्ही मॅच जिंकले. डॉक्टर इब्राहिम यांनी उंचपणे टोलावलेला हा चेंडू 4 रन करता गेलाय. आता समीकरण बदलली आहेत. आता
तो दूर वाले छोर से इस ओवर की अगली गेंद ओवर द स्टंप, ये गेंद पड़ने के बाद गेंद ने उछाल उतना ज्यादा नहीं लिया, गेंद पड़ने के बाद गेंद सीधी रही और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन या नुकसान की। जिस प्रकार की लय में बल्लेबाज दोनों नजर आ रहे हैं उसे यही प्रतीत होता है कि बल्लेबाज रन बनाने की खोज में है, लेकिन गेंदबाजी भी चतुर और चालाक हो रही है। गति में थोड़ा सा परिवर्तन गेंदबाज दिखा रहे हैं और जिसके चलते चलते बल्लेबाजी में थोड़ा सा वो आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। अभी दूर वाले छोर से कमेंट्री एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, हमसे दूर जाते हुए 10 या 15 कदम के रनअप के साथ अगली गेंद। इस प्रकार खेलना चाहते थे कहीं और, बल्ले और गेंद का संपर्क जरूर लगा था, लेकिन यहां पर जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने में सफल हो दूसरे रन की खोज में थे, लेकिन वहां पर टॉपिंग क्रीज के बाहर पकड़े गए वहां पर गेंदबाज द्वारा, और दूर वाले छोर से यहां पर डगआउट की तरफ लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को इस दूसरे रन के साथ, क्योंकि पहला रन बड़े तेजी साथ चुराया था, दूसरा भी थोड़ा सा संभव था लेकिन दूसरा वहां पे संभव नहीं हो पाया और पॉपिंग क्रीज के बाहर बल्लेबाज पकड़कर इस प्रकार का एक और सफलता यहां पर टीम को मिलती हुई। मैं हूं शाहिद, आपका शाहिद नजीर, में एक नेशनल रांची में मैं रिप्रेजेंट कर चुका कमेंट्री, और अशीष जी मेरे पास अभी थे जो यहां पे कमिटमेंट कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनके ऊपर बॉल लगी और जिसकी वजह से वो थोड़े से चोटिल हुए, और अब जाके दोबारा इस मुकाबले के लिए अब थोड़ा रोमांचक स्थिति जो है मैं इस प्रकार इसमें डालने की कोशिश भरपूर करूंगा। ओवर द स्टंप ये गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद के लेकर खेलने की कोशिश की थी, ये हवा में गेंद जरूर है दूर वाले छोर से, दर्शकों की अपील है कि शायद ये कैच आउट है, लेकिन ना, ये शायद एक टिप पे खाकर गेंद हवा में ले रही थी और जिस तरीके से वहां पर बल्लेबाज ने फॉलो थ्रू में आकर कैच लपक लिया। हमारे साथी स्कोरर हैं और खुले मिलाकर टीम का जो स्कोर वो पहुंचा है 50 रन और उनके जो अभी तक आउट होने वाले खिलाड़ी हैं दो विकेट के नुकसान पर। और ये पारी का कितना ओवर चल रहा है स्कोर? पांचवा ओवर, पांच बॉल चार बॉल, पांचवा ओवर चार बॉल, 5.4 ओवर हो चुके हैं और रन बने 50 और दो विकेट के 60 रन, माफ कीजिएगा 60 रन और दो विकेट के नुकसान पर। दूर वाले छोर से फिर से यहां पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं, ओवर द स्टंप राउंड द स्टंप ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और कमेंट्री एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं 10 या 15 कदम के रनअप के साथ हमसे दूर जाते हुए। ये गेंद, ये भी बहुत बढ़िया गेंद थी, क्योंकि जब आप गति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं ना, बल्लेबाज का जो सोच और विचार रहता है स्ट्रोक खेलने का उसमें जरूर कमी रह जाती है। वही चतुर गेंदबाजी यहां पर बल्लेबाज ने की है, 60 रन अभी भी इस ओवर की, सात बॉल पे चाहिए 11 रन अभी भी इस ओवर की अंतिम गेंद विशेष है, 7 बॉल 7 गेंदे और 12 रन, 6 बॉल 12 तो माफ कीजिएगा 6 गेंदे हैं और 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और अगर देखा जाए लिमिटेशन ओवर का खेल, अगर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, हो गया और पूरी तरह आके के फोन गया क्या बोला? अच्छा थोड़ा सा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा गेंदबाज बोल रहे हो? संजू, ए संजू, इसका नाम क्या? संजू को थोड़ा आवाज कर, क्या नाम है? डॉट राजेश सर, मेरे मिस्टी को था, एक मिस्टी को फोन भी थोड़ा रॉयल तो दूर वाले छोर से 6 गेंद में चाहिए 12, फुल टॉस गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पीछे विकेट कीपर, एक और सफलता मिलने की वहां पर जरूरत थी, लेकिन वहां पर मछली ना हाथ में आ चुकी थी, लेकिन आने के बाद फरार, एक और जीवन दान, 5 में चाहिए 11 और ये पकड़ना चाहिए था, ये बहुत आसान सा कैच था। और अगर लिमिटेशन क्रिकेट की बात करें ये तो बहुत सी आसान सी बात की, और मॉडर्न इरा खेल की बात करें ये बेहतर और आसान सा कैच था विकेट कीपर के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पाए और अब जाके 5 गेंदों में चाहिए 11 रन। दूर वाले शॉट से फिर से तैयार है दीपक गेंदबाजी करने के लिए, जर्सी नंबर 17 ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक और फुल टॉस, लो फुल टॉस जिसे हम कहते हैं, गति में थोड़ा सा परिवर्तन, अंपायर दोनों ही दिखा रहे हैं कि ये नो बॉल है, नो बॉल यहां पर अंपायर ने जरूर दिखाया, लेकिन अभी भी यहां पर यहां से तो नजर आ रहा था कि लो फुल टॉस है, बाकी दोनों अंपायर बैठे हैं बीच मैदान में और क्या वो डिसीजन ले गए, और ये फिलहाल दोनों अंपायर फिर से सोचो विचार में, हालांकि स्क्वायर लेग और फ्रंट अंपायर ने भी ये नो बॉल करार दिया,
लेकिन जिस प्रकार का रूल जो रेगुलेशन है, अगर आपकी गेंद गति में परिवर्तन होके सीध के ऊपर से गेंद जाती है तो उसका मतलब ये नो बॉल है। लेकिन साइड स्क्रीन से ये नजर आ रहा था कि ये लोफल टॉस गेंद है, लेकिन बीच मैदान में हम फिर बैठे और अभी इस फैसले पर वो उभर के नहीं आए हैं और अभी भी फाइनल डिसीजन आने वाला बाकी है। हालांकि गेंदबाज थोड़ा सा निराशे हैं और उन्होंने ये कहा है अंपायर से कि शायद ये गेंद जो थी ये लीगल डिलीवरी थी, लेकिन सही वहां पे क्या फैसला है या नहीं पीपी अंपायर की प्रतीक्षा होगी, क्या ये नो बॉल है या नहीं है। और लेकिन यहां से जो पहला डिसीजन था, जी हाँ, लगातार वो जो अपना फैसला था उस पर डटे रहे हैं वहां पर अंपायर, और उन्होंने इशारा दिया कि ये नो बॉल है। और साथ ही साथ ये सोने पे सुहागा भी है, क्योंकि अगर आप नो बॉल करते हैं पांच में चाहिए 11 रन, उसके साथ साथ ये गेंद फ्री हिट गेंद है, यानी रन आउट के सिवाय कोई भी आउट इस गेंद में करार नहीं दिया जाएगा। दूर वाले शोर से फिर से दीपक है गेंदबाजी करने के लिए। शुरुआती जिस प्रकार की गेंदबाजी की है गेंदबाज ने, उसमें लगा कि गति में थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन दीपक हमसे दूर जाते हुए एंड ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द स्टंप ये गेंद, ये नो बॉल हो सकती है। कौन नो बॉल? पीछे विकेट कीपर भी मौजूद है, लेकिन उनसे गेंद की नहीं और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन, ये 5 रन कुल मिलाकर जोड़े जाएंगे। पिछली जो थी वो मानो 50-50% का था कि नो बॉल है या नहीं है, लेकिन इस बार तो क्लियरिटी के साथ नो बॉल है और पीछे विकेट कीपर भी नाकाम गेंद को रोकने में, और गेंद सीधे सीमा पर। 4 कितना मंगा है? 4 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद एक और गति में थोड़ा सा परिवर्तन, नीचे खिलाड़ी है, एक और जीवन दान मान लो। ये मुझे लगता है कि ये मुकाबला जो है ना वो मान लो हम कोई सर्कस देख रहे हैं, क्योंकि अगर गेंदबाजी शुरुआत में बेहतर हो रही हो और फिर जाके विकेट कीपर भी इस गेंद को रोकने में सफल हो, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी और विचल। 3 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए, और गेंदे कितनी है बची है स्कोर अभी? 4 गेंदे 3 रन चाहिए जीत के लिए। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। हमसे दूर जाते हुए गेंद, एक और ओवर पिच गेंद लेकर खेला हुआ स्ट्रोक। पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को जरूर रोका था, लेकिन कप्तान ने उस खिलाड़ी को जिसके लिए रखा गया था उसको नहीं रोक पाए। 22 गेंद का दायरा पूरा किया था दोनों खिलाड़ी ने। एक और रन, 2 रन चाहिए जीत के लिए। गेंदे बची है 3, अभी भी खेल अनिश्चितता का खेल है, कुछ भी हो सकता है। एक और गेंद उड़ाने की कोशिश, विकेट कीपर पीछे इस बार नहीं काम छोड़ने में सफल रहे और विकेट कीपर ने गेंदें भी खेली। एक और विकेट, दो गेंदों में चाहिए 2 रन। दो बॉल बाकी, दो में दो वेल्ड एंड दिस इज बादशाह फॉर यू। एक और तरीका हो सकता है, देखिए 2 में चाहिए 2 रन, एक और चतुर गेंदबाजी चाहिए। देखिए गेंदबाज का कमाल, जुनून, जोश, जज्बा, जो सभी चीजें नजर आती है ना इस लिमिटेशन खेल में, मुझे चाहिए कि दीपक वो नजर आना चाहिए। और रही बल्लेबाज की बात, हाथ में हथौड़ा है मात्र उसको घुमाना है, लेकिन देखिए जब आप गेंद की निगाहें से हटती है ना नजर, फिर जाके दुर्घटना भी घटती है। इसका हमें पिछली गेंद पर वो वाला फैसला हुआ था, लेकिन 2 में चाहिए 2, कुछ भी हो सकता है अभी भी। मुकाबला पीबी गेम ऑन है। दूर वाले छोर से लिए चलते हैं स्टेडियम में। दीपक के हाथ में गेंदबाजी है और 2 में चाहिए 2 रन। गेंदबाज परवाज कर रहे हैं फील्डिंग की, किस प्रकार की फील्डिंग कप्तान ने सजी है, हम भी नजर मारते हैं। विकेट कीपर के समेत कोई स्लिप तैनात नहीं, थर्ड मैन दायरे के बाहर है, सीध पर पॉइंट पर एक खिलाड़ी खड़ा है। ओवर द स्टंप ये गेंद, ये बेहतर गेंद जरूर थी लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। ये अंतिम गेंद है, 2 रन लेने की कोशिश, नहीं बन सकता 2 रन, और ये मुकाबले की अंतिम गेंद बाकी है और रन चाहिए 1। वाओ, इसलिए कहते ना कि अगर आपको T20 लिमिटेशन फॉर्मेट की डेफिनेशन ढूंढनी होगी ना, किताबों में मत ढूंढिए, सीधे आइए इस मुकाबले में। और इस मुकाबले की डेफिनेशन T20 की यही रहती है कि मुकाबले अंतिम समय तक जाते हैं 1-1, 1 में चाहिए 1 रन। क्या होगा इस मुकाबले में? फील्डिंग में रिस्ट्रिक्शन, कप्तान पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस प्रकार का ये यहां पर खिलाड़ी को रचेंगे। दूर वाले छोर से हम भी नजर मारते हैं, विकेट कीपर समेत पॉइंट के सीध में खिलाड़ी है, कवर दायरे के अंदर है, फाइन लेग दायरे के अंदर है, लॉन्ग ऑन शॉट मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा दायरे के बाहर है, एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है, यानी 1, 2, 3, 4 ये मानो चाइना वाल। एक बार फिर से ओवर द स्टंप, वाओ, लुक एट दैट मैन, ये दिलेरी कहते हैं।
डायरी के अंदर सभी खिलाड़ी, गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री के बाहर चार रन, और इस तरीके से ये मुकाबला केयर चैलेंजर्स ने अपने नाम कर दिया और अंतिम गेंद तक ये मुकाबला रहा, बट केयर चैलेंजर्स वन द मैच बाय कंफर्टेबली। आप कमेंट्री कर रहे हैं मेरे साथ? Thank you.